यहाँ स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स फ्लैश हो रहे हैं। इन वर्ड्स का क्या मतलब है और ये किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ होंगे, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। सबसे अच्छा तरीका है किसी के भी फ्यूचर को या अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का कि कैसा होगा, जब हम अपने फ्यूचर के लिए तैयारी करते हैं और उसे एक अच्छा शेप देते हैं ताकि हमारा जो फ्यूचर हो वो काफ़ी सक्सेसफुल दिखे। तो चलिए आज का फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है टू कीप अवे फ्रॉम। इसके लिए जो वन वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा अवॉइड, दूर रहना। एंड जो सेंटेंस है वो है ही ट्राइड टू अवॉइड अल्कोहल कम्प्लीटली। वह अल्कोहल से कम्प्लीटली पूरी तरह से दूर रहने के लिए कोशिश किया। नेक्स्ट सेंटेंस है अ रूल प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। एक ऐसा रूल प्रिंसिपल जिसे सभी लोग बिलीव करते हैं कि ये ट्रू होगा उसे कहते हैं सिद्धांत, एग्जियम। इसके लिए सेंटेंस होगा डैट लैटिन एग्जियम इज माय मोटो। जो लैटिन एग्जियम है वो क्या है, मेरा मोटो है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड। एक ऐसा इंसान जो कि अनमैरिड रहता है उसे कहते हैं बैचलर, अविवाहित। एंड इसके लिए जो सेंटेंस है वो है ही वॉज अ बैचलर एंड लिव्ड एब्रॉड। वह एक बैचलर था एंड तब वो बाहर रहा है, मतलब अपने नेटिव प्लेस से दूसरे कंट्री में। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे केक एंड ब्रेड को बनाया जाता है उसे कहते हैं बेकरी। बेकरी शॉप से हम लोग केक वगैरह लेके आते हैं, ऐसी जगह जहाँ रोटी और केक बनाया जाता है। इसके लिए सेंटेंस है अ बेकरी बॉक्स। एक बेकरी बॉक्स है उसमें क्या है, फोर स्मॉल फ्रेंच पेस्ट्रीज। चार छोटे छोटे फ्रेंच पेस्ट्रीज को एक बेकरी बॉक्स में रखा गया है। तो ये इसके लिए सेंटेंस हो गया। एंड नेक्स्ट है अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प। एक ऐसा इंसान जिसके स्कैल्प पे बाल ही नहीं है उसे कहते हैं बाल गंजा। जिसके सिर पे बाल नहीं होता है उसे कहते हैं बाल गंजा। नेक्स्ट है इसके लिए जो सेंटेंस होगा वो है गोइंग बाल्ड इज जस्ट अ फैक्ट ऑफ लाइफ। गंजापन आ जाना किसी के भी लाइफ के लिए क्या है, एक फैक्ट है कि कुछ पर्सन्स में ये देखा जाता है। नेक्स्ट है सेंसलेस टॉक और राइटिंग। एक ऐसा राइटिंग या टॉक जो कि सेंसलेस है, जिसका कोई सेंस नहीं है, उसे कहते हैं बॉल्डरडैश, बकवास। कोई भी बकवास कर रहा है मतलब उसका कोई भी सेंस नहीं है, चाहे वो राइटिंग हो चाहे वो टॉक हो। इसके लिए सेंटेंस हो जाएगा दिस इज़ कम्प्लीट बॉल्डरडैश, यह पूरी तरह से क्या है, बकवास है, उस पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, सेंसलेस टॉक है, सेंसलेस राइटिंग है। नेक्स्ट है अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। एक लार्ज बंडल है, बंडल बाउंड है जो कि स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, तो उसे कहते हैं बेल, गट्ठा। इसके लिए जो सेंटेंस है वो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ एरर है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। पोएम इन शॉर्ट स्टैंजास राइटिंग अ पॉपुलर स्टोरी। इसे कहते हैं बैलेड, गाथा गीत। इसके लिए जो सेंटेंस हो जाएगा वो है द बैलेड फॉर्म इज इनॉर्मसली डाइवर्स। जो बैलेड फॉर्म था सॉन्ग और स्टैंजास का वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स था। नेक्स्ट है यूजिंग एन आइडिया टर्म और नेम फ्रिक्वेंटली इन कॉजल टॉक। इसे कहते हैं बैंडिंग, सब विस्तार वर्णन करना, ठीक है, सब
किसी चीज़ को सब विस्तार वर्णन कहते हैं, उसे कहते हैं बैंडिंग। ही वो बैंडिंग वर्ड्स बैक, उसने शब्दों को क्या किया, फिर से विस्तार करके वर्णन किया। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट, एक ऐसा इंसान जो कि अपने डेब्ट को पे नहीं कर पा रहा है, अयोग्य है, उसे कहते हैं बैंकरप्ट, दिवालिया। ही विल गो बैंकरप्ट, वह क्या हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा आने वाले दिनों में, कुछ ऐसा। तो आई होप आज आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वर्ड्स मिले होंगे।